सो गाइस अभी आप लोग साइड में यहाँ पर देख सकते हो, कल एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें टाइटल था बैंक में पैसा आने वाला था, चैनल मोनिटाइज था। एक बड़ी गलती की वजह से एक भाई के चैनल पर रीयूज आ गया। 1000 लोगों ने वो वीडियो देखी। काफी सारे लोगों के चैनल पर रीयूज आने वाला है क्योंकि वो गलतियां कर रहे हैं। और एक और भाई गाइस यहाँ पर फंस चुका है, उसके चैनल का नाम है कूपर फुटबॉल। इनका कल मेरे पास मैसेज आया, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। मैसेज में ये लिखा था कि भाई मेरे चैनल पर रिपीटेटिव कंटेंट आ गया, यानी कि लोग बाग फंस रहे हैं इस मामले में। किसी के चैनल पर रीयूज आ रहा है, किसी के पे मिसलीडिंग मेटा डेटा आ रहा है और किसी के चैनल पर रिपीटेटिव कंटेंट आ रहा है। इस वीडियो को अगर सीरियसली नहीं देखा तो आने वाले वक्त में आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। जब बड़े बड़े यूट्यूबर फंस रहे हैं तो छोटे छोटे यूट्यूबर्स को तो बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला वहां पर वो, ठीक है। ये क्लियर कट बात समझ लो, आज क्लियर कट बता रहा हूं। गलतियां करोगे, फंसोगे। अब रिपीटेटिव कंटेंट आता कैसे है, क्या फैक्टर्स होते हैं, वो सारे इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ और भी फैक्टर्स बता दूंगा, आखिरकार मिसलीडिंग मेटा डेटा भी क्यों आता है, रीयूज का उस वाली वीडियो में मैंने पूरा बता दिया था। रीयूज का अगर आपको एक्चुअल में जानना है तो उस वाली वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब सुनो, यहां पर इन भाई के चैनल पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, यहां पर इंस्टाग्राम की मैसेज दिखाऊंगा, भाई ने क्या मैसेज करी थी, सब कुछ देखने को मिलेगा। और इतनी गाइस सुन के जाना कि अगर आप लोग ये गलती कर रहे हो तो मत करना, नहीं तो आपके चैनल पर रिपीटेटिव कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो क्या है, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। वीडियो को आप सभी लोग लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चले गाइस आज के इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन भाई का बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कट बता देना चाहता हूं। अब मैं हूं बहुत सीरियस मैटर पर, सुनो। ये वाली वीडियो मैंने कल अपलोड करी है, एडसेंस में पैसे आने वाले थे, एक भाई का यूट्यूब चैनल बर्बाद हुआ, यानी कि उनके चैनल पर रिव्यूज आ गया। ये वाली वीडियो 1000 लोगों ने देखी है, ठीक। आप लोगों ने अगर ये वीडियो देखी है बहुत बढ़िया, गलतियां नहीं करोगे मुझे मालूम है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है और अगर आपके चैनल पर इन फ्यूचर आने वाले वक्त में रिव्यूज आ गया और अगर आप मेरे पास आए तो मैं भगा दूंगा, मैं इतनी बात क्लियर कट आपके सामने कह रहा हूं, अगर आपने ये वीडियो मेरी नहीं देखी। क्योंकि जो ये वीडियो देख लेगा वो गलतियां सुन लेगा, समझ लेगा, वो अपने चैनल पर गलतियां नहीं करेगा। और अगर आपने गलती करी हो, मेरी वीडियो नहीं देखी और अगर आपके पर रीयूज आ गया, मेरे पास आओगे भगा दूंगा। और लाइव चैनल चेकिंग में भी अगर आप रीयूज में पकड़े गए, लाइन मुझे तो मालूम है रीयूज कैसे आता है, मैं लाइव चैनल चेकिंग में जिसका भी चैनल चेक करूंगा और अगर आपके चैनल पर रीयूज हुआ तो वो मेरे चैनल से गायब हो जाएगा, फिर मेरे चैनल पर आ मत जाना। मैं क्लियर कट बात कर रहा हूं, मैं सीरियस हूं भाई, मैं चाहता हूं आपका यूट्यूब करियर बने, ठीक है। आपका यूट्यूब करियर बर्बाद हो रहा है क्योंकि आप गलतियां कर रहे हो रीयूज के चक्कर में। भाई का चैनल रीयूज में आ गया, बर्बाद हो गया, अब खैर कितने महीने के लिए अटक गया, कितने महीने के लिए अर्निंग उसकी रुक गई, समझ रहे हो ना। तो गलतियां मत करो। अब सुनो, अब रिपीटेटिव वाला बता रहा हूं, अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे ठीक है, नहीं देखोगे और अगर आपके चैनल पर रिपीटेटिव भी आया तो आप मत जाना, मैं क्लियर कट बता रहा हूं, मैं बहुत सीरियस हूं क्योंकि आपका यूट्यूब करियर यहां पर बर्बाद हो रहा है, यूट्यूब चैनल बर्बाद हो रहा है यहां पर। अब सुनो, मैं यहां पर एक चैनल को खोल रहा हूं, कूपर फुटबॉल, ठीक है। अब देखो ये भाई का कूपर फुटबॉल है। अब मैं इंस्टाग्राम चैट पर चलता हूं, आप लोग यहां पर देख सकते हो, अभी मैं इंस्टाग्राम चैट पर हूं, कूपर फुटबॉल नाम का अकाउंट है इनका, आप लोग देख सकते हो कूपर फुटबॉल। इनका कल मैसेज आया यहाँ पर, इन्होंने स्टोरी पे मेंशन किया था कि इनके चैनल पर रिपीटेटिव आया, तो मैंने इनसे पूछा कब आया रिपीटेटिव। इन्होंने कहा सर 25 दिन से ज्यादा हो गया है, ये सोए हुए थे, 25 दिनों बाद इन्होंने मेरे को मेंशन किया रिपीटेटिव आ गया। तब मैंने इनसे चैनल लिंक मांगी, उसके बाद इन्होंने पूछा सर मोनिटाइज होगा कि नहीं होगा। भाई तुम्हारे चैनल पर रिपीटेटिव आया हुआ है तो मोनिटाइज के पीछे तुम पहले अपना चैनल तो बचाओ, रिपीटेटिव के चक्कर में आपका चैनल कल को डिलीट हो जाए फिर क्या करोगे, यूट्यूब करियर बर्बाद हो जाएगा आपका। तो सुनो, रिपीटेटिव कैसे हटेगा इसका भी बताने वाला हूं और इस भाई का सॉल्यूशन भी हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस गलती को करते हो तो आपके चैनल पर भी रिपीटेटिव आ जाएगा, जो नए नए व्यूअर्स देख रहे हैं जो गलतियां कर रहे हैं। अब सुनो मैं क्या बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखो मैं इनके चैनल पर ही चलता हूं, तो कूपर फुटबॉल करके मैं चैनल पर चलता हूं, आखिरकार ये कंटेंट बना कैसे, क्या रहे थे, रिपीटेटिव आता कैसे, सुनो। रीयूज का मैंने क्लियर कट कल वाली वीडियो में बता दिया था, नहीं देखिए देख लेना जाके, ठीक है। गलतियां करोगे रीयूज वाली तो रीयूज आएगा पक्का, फिर मेरे पास मत आना, मैंने क्लियर कट बात कह दी है। अब सुनो, कूपर फुटबॉल के चैनल पर रिपीटेटिव आया कैसे, रिपीटेटिव क्या आता है, इनका भी कंटेंट आप लोग सबसे पहले साइड में प्रूफ देखो, इनकी भी कुछ गलतियां रही हैं। इन्होंने मेरे को यहां पर कई बार मैसेज किया यूट्यूब पर कि भाई मेरे को सिल्वर प्ले बटन आएगा कि नहीं, ठीक। तो वहां पर मेरे काफी सारे जो व्यूअर्स थे उन्होंने यहां पर उनको साफ साफ रिप्लाई दिया कि भाई आप अपना कंटेंट नहीं बना रहे हो, क्लियर कट यहां पर देखो, लाइव प्रूफ देखो, दिख रहा है ना क्लियर कट, मेरे व्यूअर्स ने समझाया कि भाई आपको सिल्वर नहीं मिल पाएगा, आप गलतियां कर रहे हो, आपका रियल कंटेंट नहीं है, रियल बना लो नहीं तो फंसोगे। और ये तब भी नहीं माने, ये कंटेंट बनाते रहे, आज रिपीटेटिव कंटेंट आ गया। तो गलतियां यार अगर आप लोग करते रहोगे, मेरे व्यूअर्स की बात मानो, वो भी होशियार हैं यार, वो आपको एक्चुअल में कुछ चीज बता रहे हैं तो आप उसको इंप्लीमेंट करो यार। वो अगर तुमसे कह रहे हैं गलत टाइप का बना रहे हो नहीं हो पाएगा तो वो कुछ जानते हैं तभी आपको बता रहे हैं, तो उनकी बात भी माना करो, ठीक है। अब सुनो, अब रिपीटेटिव आया कैसे, जब मैंने इनका कंटेंट देखा तो ये रोनाल्डो हो गए, मैसी हो गए, इनकी वीडियोस डाला करते हैं। अभी देखो वीडियो, आप लोग देखो
देखा आपने, नॉर्मल वीडियो चल रही है, इसमें इनकी क्रिएटिविटी दिख ही नहीं रही, गाना आ रहा है और ये फुटबॉल टाइप वीडियो आ रही है। तो ऐसे में गाइस क्या होता है, ये दूसरे का कंटेंट है, रीयूज का भी खतरा है, रिपीटेटिव का क्या है, एक ही वीडियो उसको बार बार डालोगे तब भी रिपीट आता है। रिपीटेटिव ऐसे भी आता है जब आप टाइटल मिसलीडिंग वगैरह ऐसे करते हो, सेम टाइटल को बार बार यूज कर रहे हो, थंबनेल में मिसलीड कर रहे हो, तो मिसलीडिंग मेटा डेटा भी आता है। रिपीटेटिव ऐसे भी आता है जब आप टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में सेम टू सेम टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगातार डालते जा रहे हो, कुछ भी उसमें चेंजमेंट्स नहीं कर रहे हो, तो भी आपके पर रिपीटेटिव आता है। और रिपीटेटिव आज की डेट में इतनी बड़ी गलती बन चुकी है, जो न्यू यूट्यूबर जो है वो बहुत ज्यादा इसमें फंस रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, आपको कभी भी टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में बार बार हर चीज रिपीट नहीं करनी है, सेम टू सेम हर वीडियो का टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सेम मत रखो, कुछ ना कुछ चेंजमेंट्स करते रहो। मैं भी चेंजमेंट्स करता हूं, आपको भी रिकमेंडेशन यही दे रहा हूं कि चेंजमेंट्स करते रहो। अब इस भाई का सॉल्यूशन रिपीटेटिव का कैसे हो सकता है, सॉल्यूशन यह है, रिपीटेटिव आपका आया है तो वहां पर रीजंस आप देखो, YouTube पर आपको रीजंस मिल जाएंगे, YouTube के पेज पर ही, YouTube का जो सपोर्ट वाला पेज है क्रोम पर आपको मिल जाएगा, वहां पर रिपीटेटिव का क्या सॉल्यूशन हो सकता है उन्होंने प्रोवाइड किया है। आप टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन चेंजमेंट्स करिए, उनमें आपका रिपीटेटिव भी हट जाएगा, आपको रीअप्लाई का ऑप्शन मिलेगा आपका बढ़िया तरीके से, अगर आप डीपली समझ के उसको बढ़िया तरीके से उनका आर्टिकल पढ़ोगे आपका सॉल्यूशन भी आपका प्रोवाइड हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पहचान पाते कि हमारी गलतियां क्या है, किस वजह से रिपीटेटिव, किस वजह से रीयूज आया है। तो मैं क्लियर कट बात समझा दी आपको, रीयूज का पूरा समझा दिया, रिपीटेटिव का मैंने इस वीडियो में बता दिया, भाई का सॉल्यूशन भी हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये गलती करनी ही क्यों है, अब तुम्हारे पे रिपीटेटिव आ गया तो तुम घिर गए ना, ना तुम्हारा चैनल मोनिटाइज करा, ना फिर तुम अर्निंग कर पाओगे, सिल्वर प्ले बटन भी तुम्हारा अटक गया, नहीं आ पा रहा, भाई का अटका पड़ा है, जैसे आपका भी अटक जाएगा। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, अगर इन वीडियोस को आपने सीरियसली देखा तो ये गलतियां नहीं करोगे। लेकिन अगर तब भी गलतियां करते रहे तो तैयार रहो, रिपीटेटिव भी आएगा आपके चैनल पर, अगर गलतियां कर रहे हो तो रीयूज भी आ सकता है। लेकिन अगर गलतियां नहीं करोगे, अभी भाई की वीडियोस को रेगुलर देखोगे, आप सभी के लिए चिल्लाता हूं, गला फाड़ता हूं, क्यों फाड़ता हूं, ताकि आप लोग ये गलतियां ना करो, आपका यूट्यूब चैनल बर्बाद ना हो, आपका यूट्यूब करियर बर्बाद ना हो। मैं हमेशा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता हूँ ताकि आप इस चीज़ से बचे रहो। दो दिन लगातार दो वीडियोस लेके आया हूँ, एक भाई के चैनल पर रीयूज आया, उसको सॉल्यूशन बताया, वीडियोस में बताया, ठीक, वीडियोस सब लोगों को बताया मैंने सॉल्यूशन, इस भाई का मैंने वीडियो में बताया, टोटल सॉल्यूशन लेके आया ताकि भाई भी घबराए ना और आप लोगों भी जो गलतियां कर रहे हो वो गलतियां करो ना। तो आप लोगों के लिए यार इतना ज़्यादा मैं वीडियोस लेके आता हूँ, चिल्लाता हूँ वीडियोस में, बताता हूँ आप लोगों को ताकि ये गलतियां ना करो, क्योंकि आपका टाइम प्रेशियस है, हर किसी का टाइम प्रेशियस है। YouTube पर कोई टाइम दे रहा है तो वो रिजल्ट भी पाना चाहता है, बट गलत डायरेक्शन में काम कर रहा है तो उसे रिजल्ट भी नेगेटिव मिलता है। नेगेटिव रिजल्ट इनको मिला है क्योंकि नेगेटिव, देखो ना वीडियोस कैसी बना रहे भाई, दूसरे की वीडियोस डालोगे तो थोड़ी ना यार मोनिटाइज हो जाएगा, रिपीटेटिव रीयूज कुछ भी आ सकता है, आपकी क्रिएटिविटी आपकी वीडियोज में नहीं दिखेगी तो कैसे मोनिटाइज करवा लोगे अपना चैनल। तो गलतियां ये कर रहे थे, इनको भुगतना पड़ा, इनको रिपीटेटिव आ गया। कल वाला भाई था वो रीयूज कर रहा था, दूसरों का कंटेंट उठा के डाला था, रीयूज आ गया, गलतियां वो भी कर रहा था, कई बार मैंने उनको समझाया था। और गाइस मुझे पता है इस वीडियो पर कम व्यूज आएंगे, क्यों पता है, क्योंकि लोग बाग ये कंटेंट देखना ही नहीं चाहते, उनके चैनल पर जब रीयूज आ जाता तब भटका भटका अभी भाई के पास आ जाते हैं, भाग भाग के आ जाते हैं, अभी भाई रीयूज आ गया, अबे क्यों आए हो तुम, जब तुम्हारे लिए वीडियोज में बना रहा हूं कि ये गलतियां मत करो तब भी तुम गलतियां कर रहे हो, क्यों आ रहे हो फिर बाद में, वीडियोस देखा करो ऐसे टॉपिक्स पर। मुझे मालूम है इस टॉपिक पर भी कम व्यूज आएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग सीरियस है ही नहीं, गलतियां करते रहेंगे सुधरेंगे है नहीं, तो रिपीटेटिव रीयूज मिसलीडिंग जो भी होगा आना ही है उनके चैनल पर क्योंकि गलतियां कर रहे हैं। गाइज देखा करो वीडियोस, सीरियस हूं, मुझे टेक्निक मालूम है, ठीक है, कैसे व्यूज लाए जाते हैं, मैंने अपना 2.0 चैनल भी ग्रो करके दिखाया है, वहां पर भी वीडियोस को वायरल करवा रहा हूं, तो मुझे एक्चुअल में टेक्निक मालूम है, ठीक है, मुझे मालूम है कौन कौन सी गलतियां मुझे नहीं करनी है और मुझे मालूम है कौन कौन सी गलतियां मेरे व्यूअर्स करते हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं जब लाइव चैनल चेकिंग करता हूं तो मुझे एक्चुअल में रियल एनालिसिस होता है आपके चैनल का कि आप गलतियां कहां कर रहे हो। और एक चैनल नहीं, काफी सारे चैनल रीयूज में फंसने वाले हैं अभी, क्योंकि मैं जब चैनल चेकिंग करता हूं तो इधर का उधर कंटेंट उठा उठा के डाल रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी एड ऑन नहीं कर रहे, तो फंसोगे आगे जाके, इसलिए मेरी वीडियोस को सीरियसली हर एक वीडियोस को देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है वो, ठीक है। तो गाइस ये थे आज की कंप्लीट वीडियो, आई होप आप लोग समझ गए होंगे अब गलतियां नहीं करोगे। बाकी कोपर फुटबॉल भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको जो चीज बताई है गूगल का आर्टिकल पढ़ो जाके, वहां पर एक्चुअल में आपको चीजें पता लग जाएंगी, इंप्लीमेंट करो और आपका रिपीटेटिव भी हट जाएगा, अगर आपका एक्चुअल में कंटेंट आपका होगा तो प्रॉपर तरीके से मोनिटाइज भी हो जाएगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मिलता हूं ऐसे किसी अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।